हेलो दोस्तों, आज मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप भी कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, आधार कार्ड से बायोमेट्रिक के थ्रू विड्रॉल कर सकते हो। आप देखिए, मैंने आधार नंबर डाल दिया है यहाँ पर, और कई लोग ये AID यूज़ भी कर रहे होंगे, जानते भी होंगे क्या ये कौन सी आईडी है। दोस्तों, ये CSC की आईडी है, CSC का ही है ये आईडी, और इससे बहुत ही आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा का AAPS हो जाता है। ये देखिए, मैंने फिंगर यहाँ पर लगाया कस्टमर का, और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली बहुत ही आसानी से होता है दोस्तों। साथ ही आपको दोस्तों ये आईडी लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन ये आईडी मिल जाती है दोस्तों, आप सर्च कर सकते हो, सर्च करके आप देख सकते हो कि यहाँ इसको, इस आईडी को आप कैसे ले सकते हो। एक एग्ज़ाम होता है दोस्तों, एग्ज़ाम देने के बाद ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये आईडी मिल जाती है। और साथ ही आपको एक नया डिवाइस भी परचेस करना होगा दोस्तों, डिवाइस बायोमेट्रिक डिवाइस लेने के बाद ही आप सक्सेसफुली AAPS कर पाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा का। मैंने भी कई सारी आईडी चला रहा हूँ, और बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद आज मुझे भी पता चल गया है कि कैसे AAPS करना है इसका। तो फाइनली मैंने भी सोचा कि सबको बता देता हूँ मैं कि कैसे AAPS के लिए, बहुत सारे रिटेलर लोग, भाई लोग परेशान हो रहे हैं, दुकानदार लोग, कि AAPS करें कैसे इसका। बैंक ऑफ बड़ौदा का AAPS बंद करा हुआ है, बैंक से ही बंद है ये AAPS। देखिए, बहुत ही आसानी से हो रहा है ये AAPS ट्रांजेक्शन। देखिए, एक और मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया, दो ट्रांजेक्शन मैं कर चुका हूँ, और भी मैं दिन में कई सारे ट्रांजेक्शन करता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के, अभी तक कोई इशू नहीं है दोस्तों। तो यही बताना था, थैंक यू।